हाय हेलो नमस्कार वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मुझे आपण सहित ब्रह्मपुर प्रसिद्ध क्षीरपोड़ पिठार रेसीपी नहीं आम ब्रह्मपुर जा तो यही पिठा को मुझे खाई बहुत ही टेस्टी बहुत ही यमी लगुच आपको निश्चित भाव निज घर ट्राए करूँ। बर्तमान आम रज आसू तो रज स्पेशल आपण यही पोड़ पिठा को तैयारी करूँ एवं खातु अन्य सेयर करूँ। तेज चलत देखी ना आज क्षीर पोड़ पिठार रेसीपी बहुत सहजरे ये हूँ आमर खीरी चाउल जोड़ा कि गोविंद भोग चाउल जोड़ा कि बहुत बास्ना हुए यार स्मेल बहुत ही भल हुए। यही चाउल को मुझे आपके जो चाउल ना तो आप बासमती राइस को ने गोटे बाउल चाउल को नहीं बहुत भल भाव धोने या सोक कर ना अल्प समय अल्प पानी रे तीन रु चार घंटा पर्यटन या सोक कर ना देखते या बहुत भल भाव धोई नहीं देखो बहुत कम पा अच्छे अधिक पा को रखी कहीं आम एर दे कि बाटा तेणुक पानी क्वांटिटी दरकार ना तेणुक मुझे बाहर करल्प टिके पाने या सोक कर ना गोटे दुई रु तीन घंटा किंपे जो समय अच्छे तीन रु चार घंटा पर्यटन या सोक कर ना तापर यार गोटे पेस्ट करवा देखो। बर्तमान आम चाउल बहुत भल भाव बतुरी जा अल्प टिके पानी अच्छी कहीं आम पा सब बाहर करें तो गोटे ब्लेंडिंग जार या सब एड कर ना यार गोटे फाइन पेस्ट बनई ना कि कौन करी ना पा को एड करी केवल क्षीर हिं यार पेस्ट गोटे बनईबी मुझे चाउल को एड करी बर्तमान अल्प टिके क्षीर को एची क्षीर को देखी या बहुत भल भाव यार गोटे पेस्ट बनईद पूरा फाइन पेस्ट बनवा देखो आमर पेस्ट के पूरा चिकन हो बाटी ये पूरा चिकन करें सबकि कड़ी कड़ी एड कर बाउल रे माप करी गोटे बाउल मुझी आमर गोविंद भोग राइस ये बाउल रे माप करी तीन बाउल क्षीर नेबी तीन बाउल रु गोटे बाउल रु एति क्षीर आमर सरी से चाउल बाटबारे तो यही बड़का क्षीर को एड कर से बड़का क्षीर को एड करी सहित आउ दुई बाउल क्षीर को मत एड करी जहाँ फल टोटल तीन बाउल क्षीर एड हो गोटे बाउल क्षीर है बर्तमान आमर है दुई बाउल क्षीर सहित है तीन बाउल क्षीर तीन बाउल क्षीर सहित आम गोटे बाउल नहीं रईस ध्यान रखी गोटे हाफ बाउल आम ए चीनी को एड कर ता सहित छोट छोट काटिकी रखि नड़िया खंड को एड कर जहाँ फल खाइबा समय ये पार्टी रे लगे बहुत भल लगे तो या एड कर सबकि एड कर झिझट कि रही तो बहुत इजिली आम बहुत इजी प्रोसेस बन सर्व कर देखते भाजिकी रखि खंड काजू को एथेरे भाजिकी रखी पांच रु छी अलीच को गुंड कर रखी ए सब कुछ एड कर बर्तमान बाटिकी रखि आमर चाउल बटा को एड कर बर्तमान ए बहुत भल टेस्ट आसवाई आम दुई रु तीन स्पून एथेरे कंडेन्स मिल्क एड कर जहाँ फल यार टेस्ट द्विगुण बढ़ी आउ बहुत भल सिक्रेट इनग्रीडियंट हो जो भी मीठा आपण भी बनातु अल्प किसी लुण जदि से एड करते तार मीठार स्वाद बहुत बढ़ी जाए तो मुझे अल्प किसी लुण को देखते बहुत कम वन फोर्थ स्पून मुझे लुण को एड कर जहाँ फल यार टेस्ट बहुत ही भल से बढ़ीज या बहुत भल भाव मिक्स कर चीनी चाउल आमर बटा सब काजू खंड नड़िया अलीच सब कुछ बहुत भल भाव गोल ना जहाँ फल जंतवा को आम इजी हम एवं बहुत कम समय या बहुत भल भाव जंति नहीं पार एवं कंटिन्यूअसली या गोल ना बर्तमान मुझ फ्लेम बसईनि या बहुत भल भाव गोल ना पर फ्लेम बसईवा बर्तमान फ्लेम को अन् कराई कंटिन्यूअसली यह भाव गोल ना जेहेतु आमर चाउल बटा ए पड़ी तेणुक आमर चाउल बटा बहुत जल्दी बिंडा बांधिजी तेणुक आम यह भाव गोल ना एथेरे अल्प किसी तेल कि घी को एड करी घी खावाक पसंद करती है घी जदि तेल खावा पसंद करती है तेल कोड कर दुई रु तीन स्पून तेल को एड कर चाहिए घी कोड करें बर्तमान मु तेल को एड करी
एड करी नबा परे कंटिन्यूस याकु गोले नउथबा हम तो वर्तमान आमर जंतुनीटी बहुत भल भाव मिक्स होगा स्टार्ट है तो ये समय रे बहुत भल से या केयरफुली घाँटी नबा दरकार मु बहुत भल से घाँटी नौ देखो आम बर्तमान ये कनसीस्टेन्स रखा अधिक गाढ़ा करवानी अधिका गाढ़ा जदि करदे आम पिठाटी टाण हो क्षीर पोड़पिठाटी टाण हो तो ये कनसीस्टेन्स यार फ्लेम को अफ करदे नचे यहाँ ओह्ल नवा ये लो फ्लेम मु गोटे फ्राई पैन को बहुत भल भाव तेल में ग्रीस कर आपण जदि चाहिए तेल घीर मध्य ग्रीस करें या लो फ्लेम बसई नवा यही बाटर को एड कर नवा एवं बहुत भल भाव या प्लेन करी गोटे बहुत भल पिठार सेप देद या कौन बना कि एड करने भाव पिठार सेप देद जहाँफल ये इवेनली कुक हम आपण पानी हाथ नचे घी हाथ कि तेल हाथ होगी यार सेप देदे ये मुझे अल्प किसी तेल को एड कर बहुत भल भाव चिकण कर जहाँफल पोड़पिठाटी देखा बहुत सुंदर देखा मैं लो फ्लेम या कभर करी बहुत भल भाव कुक हाँपाई दे 15 to 20 मिनट पर्यंत लो फ्लेम देखो बर्तमान आमर 20 मिनट पखापाखी हो सारी आउ ये मध्य बहुत भल भाव सीझी सारी आपण यही साइड रु देखिक जापारे यार कलर केते भल होमें लेटेबानी कहीं जदि आम ओल्टेदा ताल कौन हम ना देखु बहुत भल कलर आदि एवं लोटे दबा ताल ये भांगा स्टार्ट तो आपको आम कौन करवा पूरा थंडा हाँपाई दबा थंडा हाँपर यार आरपट साइड को आम पुणी थरे 10 to 15 मिनट पर्यंत कुक कर नबा एपट साइड को सीझी जा खाली टिके फ्राई करने आम या कुक करवा जदि आपड़ी न फ्राई करेंपर बहुत ही टेस्टी आपड़ जब आधिक टेस्टी खाइबा दरकार एपट साइड को गोटे 10 मिनट या कुक कर नबा तो मुझ यार फ्लेम को अफ करी या थंडा हाँपाई छाड़ नबा थंडा होगापर आपको आम ओल्टे पुणी थे 5 to 10 मिनट पर्यंत या कुक कर नबा एपट साइड यही भाई भाव में 10 मिनट पर्यंत आम ऊपर साइड को मध्य बहुत भल भाव फ्राई कर नवा देखु केते बहुत बढ़िया सुंदर भाव आमर क्षीर पोड़ पिठाटी बहुत भल भाव क्रिस्पी हो सारी ए भितर से आप जानते कौन कौन सब इंग्रेडिएंट पड़ी तो आम आरपट साइड को ओल्टे देखा ये किभली भाव देखा सेपट साइड आम कि भाव पोड़ जाइए देखो आरपट साइड मध्य स्लाइट ब्राउन कलर हो बहुत भल भाव सेकी काटिकी आप थंडा खाईपारे कि भाव टी उम थी खाबे मत भल लगे जदि आप फ्रिज रे रखे खाइबे मत बहुत ही टेस्ट लगे तो गरम गरम खाई नापटा ही बेटर